बच्चों, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी क्लास 10। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में हम करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन पहले कहता क्या है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन कहते हैं कि इतने सारे हमारे पास 4 पार्ट हैं, 4 में से कितने पार्ट्स हैं जो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, जिनके आउटकम्स जो है बराबर बराबर हैं। अंडरस्टूड, जिनके आउटकम्स बराबर बराबर हैं हमें बताना है एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, फर्स्ट पार्ट सेज हियर, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर कोशिश करते हैं, मींस ही अटेम्प्ट करते हैं कार को स्टार्ट करने की, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ओके, कार स्टार्ट होती है और कार नहीं स्टार्ट होती है। ओके, देन व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह की एक्सपेरिमेंट है ये, इक्वली लाइकली है या नहीं है। देन ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि ये इक्वली लाइकली बिल्कुल नहीं है। क्यों? मोस्टली देखा गया है कि जब हम कार स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो कार स्टार्ट हो जाती है, 99% चांसेस होती है कि कार स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी रेयर केसेस में ऐसी होती है, ऐसा अक्सर होता है, कभी कभी मीन्स सर्दियों में ऐसा होता है मोस्टली, कि यू नो रेयर केसेस में, सर्दियों में ऐसे तो रेयर होती है, बट सर्दियों में कभी कभी देखा जाता है कि ये मीन्स कभी कभी हमारी कार जो है स्टार्ट नहीं होती है। तो ये इक्वली नहीं है, मोस्टली हमारे पास 99% चांसेस होती है कि कार स्टार्ट हो जाती है, कि 1% ऐसा चांसेस है कभी कभी कि यू नो स्टार्ट नहीं होती। सो हम कह सकते हैं कि नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि बराबर बराबर होना चाहिए और ये ऐसा नहीं है। 99 से कम हो सकता है, 95-98 कम हो सकता है, लेकिन 50-50 तो नहीं है ना। सो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि कार स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कार स्टार्ट नहीं होती। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड पार्ट सेज हियर बच्चों, सेकंड पार्ट कहता है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेज द शॉट। एक प्लेयर कोशिश करता है बास्केटबॉल को शूट करने की, शूट अ बास्केटबॉल। ओके, वो शूट कर भी पाते हैं और मीन्स ही शूट्स और मिसेज द शूट, वो शूट करते हैं या शूट को मिस करते हैं। क्या ये इक्वली प्रोबेबिलिटी है, इक्वली लाइकली मीन्स आउटकम्स है? जैसे हम जैसे प्लेयर तो नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट श्योर एक्सपर्ट इन बास्केटबॉल। अगर मैं जाऊँ बास्केटबॉल खेलने के लिए, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं बास्केटबॉल को बास्केट में डालूँ। ओके, तो अगर ये एक्सपर्ट प्लेयर नहीं है, 50-50 के चांसेस नहीं है। जैसे मैं डालूं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि बॉल को हम बास्केट में नहीं डाल सकते, तो 50-50 नहीं है। हाँ, एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं, अगर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ही मीन्स ही इज़ गुड इन बास्केटबॉल, उनके चांसेस हो सकते हैं, लेकिन तो हम इसे इक्वली लाइकली नहीं कह सकते। कोई भी प्लेयर है सिंपली यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, अगर कोई प्लेयर शूट करने की कोशिश करते हैं बास्केट में, बॉल को डालने की कोशिश करते हैं, तो वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। सो हम करेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये डिपेंड करता है प्लेयर्स पे कि प्लेयर किस तरह के हैं, कच्चा खिलाड़ी है या पक्का है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर, थर्ड वन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ओके, यू नो क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यू नो ट्रायल की जाती है कि क्या होगा इसका आंसर, राइट या रॉन्ग। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर सपोर्टेड मुझसे कहा जाए या आपसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर, हु इज द प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, हमारे कंट्री का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है। ओके, मे बी ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, द्रौपदी मुर्मू है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। हमारे पास आउटकम्स टू हैं, ट्रू है या नहीं है, मीन्स है तो राइट होगा, नहीं है तो रॉन्ग, मीन्स वी हैव यहाँ पे हमारे पास इक्वली है, हाफ ऑफ के हैं। ओके, 50-50 है, आप राइट भी कह सकते हैं, रॉन्ग भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास मीन्स ऑप्शन दो ही ना, राइट और रॉन्ग की, राइट और रॉन्ग। ऑब्वियसली उस बंदे को आता होगा तो वो बोलेंगे राइट, अदरवाइज रॉन्ग। ओके, तो राइट और रॉन्ग ये दो ही आउटकम्स है हमारे पास। सो राइट के 1/2 हो गए और रॉन्ग का भी 1/2 हो गया, इट मीन्स दिज आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अंडरस्टूड? गेटिंग इट? नेक्स्ट है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। एक बच्चे का जन्म होता है, वो बॉय मीन्स वो बेबी बॉय है या गर्ल,
ऑब्वियसली इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा. क्यों? क्योंकि अगर किसी बेबी का जन्म होता है वो बेबी हमारा बॉय या गर्ल ही होगा. 50-50 चांसेस है. ऐसा तो नहीं कि वो एलिफेंट का बेबी हो जाएगा, वो हॉर्स का बेबी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना. क्योंकि वो इंसान का है तो बॉय या गर्ल होगा, बॉय या गर्ल, कुछ और तो नहीं होने वाला, राइट. सो यहाँ पे 50-50 के चांसेस है. सो यस वी विल से इक्वली लाइकली आउटकम्स, बॉय या गर्ल, दोनों में से कोई आए. मीन्स आउटकम्स टू हैं तो हमारे पास 50-50 के चांसेस हैं. सो यस इक्वली लाइकली आउटकम्स है. अंडरस्टूड? सो सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इज अवर आंसर. परफेक्ट आंसर हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स के हैं थर्ड एंड फोर्थ. अंडरस्टूड बच्चों?